इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। है कोरोना के बाद मईशत की तबाह हाली और अब की बात कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस के नाम से एक बीमारी है जो बहुत तेजी के साथ भारत के शहरों के अंदर मुंतकिल हो रही है। भारत का मुस्तकबिल क्या है, अलहदगी के तरीकों के बाद क्या बिखर जाएगा या फिर नरेंद्र मोदी इसको संभालेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, तरीन साहब के मसले के ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर जो हज के हवाले से सऊदी हुकूमत की तरफ से वैक्सीन की खबर आई है उस पर भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तशवीश है। मैं चाह रही हूं कि पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करें, फिर तरीन साहब के मामले की तरफ चलते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात सरकारी सतह पर यानी ऐसी हमाकतें हो जाती हैं जिसका कोई गुमान ही नहीं होता। जब मतलब ये है कि वहाँ जो लोग थे महकमा सेहत के, जो भी मुतलका महकमा होगा, उन्होंने जब ये हुक्म जारी किया तो इस बुनियादी हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया कि बाद मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान जिसमें काबिल ज़िक्र है उसमें तो चीनी वैक्सीन ही इस्तेमाल हुई है और आलमी अदारा सेहत से मंजूर शुदा है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी तरफ तवज्जो तो दिलाई है। पाकिस्तान में तो तीसरी बड़ी तादाद होती है ना आम हालात में, अब कोरोना में शायद कम होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला बनेगा नहीं। वैसे तो वहाँ सऊदी अरब में जो निज़ाम है ना उसमें इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत देर लोगों को रुकना पड़ता है, ड्राइवर मुजाफात के होते हैं, बसें कई कई घंटे खड़ी रहती हैं, उस निज़ाम में पूरे में इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये मसला ऐसा नहीं है मेरा ख्याल है जो हल नहीं होगा, इसलिए कि देखना ये होता है कि आलमी अदारे किन चीज़ों को सेंक्शन करते हैं। सही, सेहत का तो उन्हें ख्याल रखना पड़ता है। अचानक लाखों आदमी आ जाते हैं, इस दफ़ा तो शायद कम होंगे, वबाएं फैलती हैं, गले की खराबियां होती हैं, जो लोग मास्क नहीं पहनते, आम हालात में भी वहाँ मास्क पहनना पड़ता है, जो लोग गले की खराबी से और नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचना चाहते हैं, इसलिए कि दुनिया भर से लोग आते हैं और सबके सर्टिफिकेट जो है वो असली नहीं होते। और फिर ये है कि जाहिर है एक अजनबी एनवायरनमेंट है, हर तरह के लोगों का घुलना मिलना है। लेकिन मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा। हमारे जो वजीर हैं वो काफ़ी सेंसिबल आदमी हैं मजहबी उमूर के जी। और उनके रबते भी अच्छे हैं, जो हमारे सफ़ीर वहाँ गए हैं वो चौकस आदमी हैं, और सऊदी हुकूमत भी जाहिर है इस मसले को हल करना चाहेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अगले चंद दिनों में, और मुमकिन है उससे बहुत पहले ही, सफीर साहब यहाँ नहीं हैं, वो होते तो शायद ज़्यादा तेज़ी से टेकअप हो जाता। मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा, इसलिए कि वो रोकना नहीं चाहेंगे। ये एक दफ्तरी गलती है, बज़ाहिर ऐसा लगता है। देखो, पाकिस्तान से कोई ऐसी तो नहीं है उन्हें दुश्मनी कि भाई यहाँ के हाजी ना आ सके। वो तो ईरान के साथ जब ताल्लुकात में तलखी थी तब भी, और ईरानी बहुत असर्ट करते थे तब भी, उनके लिए वो रुकावटें पैदा नहीं करते थे। हज के मामले में हुकूमत सऊदी अरब की और उमरे के मामले में जो पॉलिसी है वो हमेशा सेहतमंद रही है। सही। तो बाद औकात गलतियां इस तरह की हो जाती हैं, लेकिन इसकी इसलाह का इम्कान है। इनको तले कुचल दिया गया था। जी, हर कौम का अपना मिजाज है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का मॉडल ही फॉलो होगा। हारून साहब, इंडिया की क्या सूरत हाल है? इंडिया में तो सूरतें बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है, एक के बाद एक मुसीबत है। कभी मुल्कों की तरफ से मुसीबत है चढ़ाई, और कभी कुदरत की तरफ से कोई ना कोई नया इम्तिहान इंडिया के सर पर आ रहा है। देखिए, मैं जब इंडिया की सूरत हाल पर गौर करता हूँ तो मुझे कुरान करीम की एक आयत याद आती है। हम किसी को अगर तर्जमे में ज़रा सा नक्स हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि हाफ़िज़े की बुनियाद पर कह रहा हूँ, लेकिन ये कि ज़रा सा ये मफहूम बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही है। हम किसी कौम को उस वक्त पकड़ते हैं जब उसे अपनी मईशत पर नाज हो जाता है। ये आयत जैसी इंडिया पर मुंतबिक होती है होती हुई हमने देखी है, कहीं और नहीं देखी, और भी बहुत से मुल्कों पर हुई है। वो शाइनिंग इंडिया और सुपर पावर बनता हुआ अमरीका, वो जो कह रहे थे हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, वो जो कह रहे थे कि हम इस पूरे इलाके पे हुकूमत करेंगे, जो अखंड भारत की बात करते थे, जो कहते थे कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर पे भी कब्जा कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान पे भी कर लेंगे, जिनके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था बेयक वक्त चीन और पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं। आज सूरत हाल ये है कि अखबारी
तो रिपोर्टें ये कहती हैं और सरकारी ऐलानात तो ये कहते हैं 4,500 आदमी रोज़ाना मर रहे हैं। हकीकत ये है कि यह तादाद 15,000-20,000 तक पहुँचती है, ये कहीं 12,000-13,000 से लेके 20,000 के दरमियान है। दरियाओं में लाशें बहाई जा रही हैं, वो पुलिस गश्त कर रही है दरियाओं के किनारे, रातों की तारीकी में छुप छुपा के लोग जो हैं वो लोगों को दफन कर देते हैं। अच्छा, फिर फंगस का मसला खड़ा हो गया, ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है। अब वो जब स्ट्रीट राइड दिया जाता है तो उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं, उससे जो कुदरती हिफाजती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो तबाह हो जाता है और वो फेफड़े जो हैं उसकी जद में आ जाते हैं। फिर ये जो फंगस है ख़ास तौर पे, ये बाद सूरतों में तो कंट्रोल हो ही नहीं सकती, इसमें लगभग आधे आदमी जान से जाते हैं। अच्छा, ये जो गुब्बारे में हवा भरी गई थी सुपर पावर बनने की, मोदी साहब जो कौम को जलवा दिखा रहे थे और ये कह रहे थे, ये नेहरू से सिलसिला शुरू हुआ, ये आज नहीं शुरू हुआ। अगरचे उस वक्त वो ज़्यादा इदराक उन्हें था, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उनमें कुछ तवाज़ुन था। एक अजीम इंडिया जो कभी था, अजीम इंडिया कभी था ही नहीं, कभी उसका वजूद था ही नहीं, यहाँ तो राजवाड़े थे। 3,000 साल पहले एक दफ़ा कुछ अरसे के लिए इंडिया एक मुत्तहिदा मुल्क था, 3,000 बरस पहले। वह 3,000 साल पहले ईरान क्या था और मिस्र क्या था और यूनान क्या था और रोम क्या था, भाई आज की सूरत हाल देखनी होती है। इसको तो मुसलमानों ने आके मुत्तहिद किया, एक मुल्क बनाया, फिर अंग्रेजों ने इसे बरकरार रखा, तो वो तो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब कोई उसका मुस्तकबिल मालूम नहीं है। फिर ये जात पात का जालमाना निज़ाम है, अगर शूदर मर रहे हैं किसी को कोई फिक्र नहीं है, झोंपड़ पट्टियों में अगर लोग मर रहे हैं किसी को कोई परवाह उसकी नहीं है, ब्राह्मण अगर महफूज है, आला तबके के अगर लोग महफूज हैं तो उनकी बला से, आपको मालूम है 10 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनका डाक का कोई पता ही नहीं है। सही। इतनी बड़ी मईशत होने के बावजूद, इतना तरक्की याफ्ता होने के बावजूद हालत यह है कि अलहदगी की तहरीकें हैं, किसान रो रहे हैं। चलिए हारून साहब, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर हम तफसील से बात करेंगे। गाइस, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आप सुन रहे थे हारून रशीद को, इस बुड्ढे को मैं बहुत टॉप रेटेड करता हूँ जिहादी के मामले में। ये ओरिया मकबूल टाइप का बंदा है, उसी लेवल की बात करता है, कुरान हदीस को कोट करता है, जैसे ओरिया ने कोट किया था कुरान को या हदीस को, कि चाइना इंडिया की बर्बादी का कारण बनेगा, चाइना इंडिया को बर्बाद कर देगा, इस तरीके की बातें की थी, मतलब हमला करेगा। तो मैंने उस टाइम पे रिप्लाई दिया था वीडियो बनाते समय कि यस, इंडिया का हिस्सा था पाकिस्तान, पाकिस्तान में चाइना ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, तो आने वाले समय में चाइना कब्जा करेगा और पाकिस्तान की बर्बादी करेगा। इस तरीके से मैंने उसको, उस हदीस को मतलब सही साबित कर दिया था। तो बात करते हैं इस बेवकूफ़ के बारे में। दोस्तों, इस बेवकूफ़ ने फिर कुरान या हदीस को कोट करते हुए बोला है कि अर्थव्यवस्था का जिन्हें घमंड था उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, अमेरिका और भारत की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात तो सच है, कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था इस बार भी मतलब वर्ल्ड बैंक या बहुत सारी एजेंसीज़ की तरफ से दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली बताई जा रही थी, लेकिन शायद अब उसका रिज़ल्ट कुछ अलग निकलेगा, क्योंकि आपको भी पता है लॉकडाउन में है कंट्री और कोरोना की वजह से जो लाशें भारत में, मतलब बहुत सारी लाशें, पता है आपको कितने सारे लोग मर रहे हैं, उसको भी लेकर ये लोग इनडायरेक्टली खुश हो रहे हैं, कुत्ते लोग खुश हो रहे हैं। ये वीडियो तो था, हालांकि जो सऊदी अरब ने बैन लगाया है चाइनीज़ वैक्सीन को लेकर, मैं उस बारे में क्या बात करूं, वो उनका पंगा, पाकिस्तानियों को आने दे ना आने दे वो बात की बात है, लेकिन इस वीडियो में इसने बहुत मतलब बहुत अजीब सी बातें की हैं, मतलब भारत में जो लोग मर रहे हैं उनको लेकर भी ये लोग इनडायरेक्टली खुश हो रहे हैं। और इसमें क्या बोलूँ मैं, अब आपको भी पता है दोनों देशों के हालात ऐसे हैं कि अब ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में होगा तो इंडिया के लोग भी खुश होंगे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब लोगों ने दुश्मनी हद से ज़्यादा आगे चली गई हैं, तो इस तरीके की बातें तो होंगी। तो गाइस, अब कोरोना देखते हैं भारत में, कोरोना ख़त्म, वैसे कोरोना का ग्राफ नीचे तो जा रहा है, उम्मीद करते हैं जल्दी कोरोना नीचे जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अभी भी 2-3 महीने बिल्कुल अच्छे से मास्क तो लगा के रखना है, कोशिश करें वैक्सीनेशन, आज मेरा वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा पहला डोज कोविशील्ड का लग जाएगा, हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था मुझे कोवैक्सीन मिल जाए जिससे कि मैं 2 डोज लगवा लूँ 28 दिन बाद, लेकिन ठीक है, कोविशील्ड भी इंग्लैंड में सारे लोगों को लगी है तो मैं
अच्छा मतलब फील कर रहा हूँ कि कल मैं 1 बजे जाकर कोविशील्ड लगवा लूँगा। अच्छा है, आप भी कोशिश करें, लगवाएं। जो लोग ज़्यादा बाहर घूमते हैं वो ज़रूर लगवाएं, और बुज़ुर्गों को भी लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन से कम पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल जाने की शायद आपकी नौबत ना जाए, घर में ही ठीक हो जाएं। बहुत रेयर केस में ये होता है कि आपको कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो, तो गाइज़ प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं। हालांकि अब देख सकते हो आप, कोविड का सिचुएशन इंडिया में ही था, भारत के पड़ोसी देश जो पाकिस्तान या बांग्लादेश थे, यहाँ पर कोविड नहीं दिखा, तो समझ सकते हो आप, ये अब तो 20-30 साल बाद ही पता चलेगा कि कोविड के पीछे क्या मंशा थी चाइना की और क्यों इन्होंने फैलाया। मुझे तो ये बायोलॉजिकल वॉर ही लगती है, क्योंकि भारत में ही कोविड केस इतने ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों देश जिनकी मतलब आप देख सकते हो बिल्कुल एक जैसा माहौल, एक जैसा मौसम, लोग आते जाते हैं, मतलब समझ रहे हो आप कैसा SOPs फॉलो नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, लेकिन भारत में ही इतना ज़्यादा कोरोना क्यों, आसपास के देशों में क्यों नहीं, तो मुझे कुछ शंका हुई इस बारे में। तो गाइज़ ये वीडियो करते हैं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।